मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों में जो बुरी आत्मा होती है उसे निकालने के लिए नुकीले पत्थरों से उनकी खोपड़ी में मारकर छेद कर दिया जाता था। और इस ट्रीटमेंट के पीछे ये विश्वास था कि खोपड़ी में छेद करने से बुरी आत्मा बाहर निकल जाएगी और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। हाय, आई एम नीलू, आई एम साइकेट्रिक काउंसलर। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्री साइंटिफिक पीरियड यानी कि पूर्व वैज्ञानिक काल में लोग असामान्यता, जिसे हम एबनॉर्मलिटी बोलते हैं, को क्या समझते थे और अगर कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता था तो उसे किस तरीके से वो देखते थे और उसका उपचार किस तरीके से करते थे। असामान्य व्यवहार और उसके ट्रीटमेंट का जो इतिहास है उसकी शुरुआत हुई थी प्री साइंटिफिक पीरियड में, जिसे हम पाषाण युग कहते हैं। और प्राचीन काल में यानी कि ग्रीक, चीन, इजिप्ट में जो लोग रहते थे उन लोगों का कहना था कि जब कोई व्यक्ति के प्रति ईश्वर की कृपा दृष्टि समाप्त हो जाती, यानी कि ईश्वर का अभिशाप या प्रकोप आता है, तो वह व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लग जाता है। उनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु यानी कि हवा, पानी, पेड़ पौधा, इन सब के बीच एक अलौकिक शक्ति है यानी कि सुपर नेचुरल स्पिरिट है। और इन सब में जो मूवमेंट होता है नेचुरल स्पिरिट के कारण होता है। उनके अनुसार व्यक्ति द्वारा असामान्य व्यवहार दिखलाने का मूल कारण उसके भीतर किसी आत्मा, जिसे हम इविल स्पिरिट कहते हैं या फिर आप पिशाच समझे या फिर भूत प्रेत समझे, का प्रवेश कर जाना होता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बुरी आत्मा या दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है। कि लोगों का ये भी विचार था कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अच्छी आत्मा यानी कि गुड स्पिरिट प्रवेश कर जाती है तो व्यक्ति का व्यवहार धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाता है। ये प्री साइंटिफिक पीरियड के लोगों की सोच थी। वो असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति को इस तरीके से देखते थे। अब उस टाइम के लोग इस असामान्य व्यवहार के उपचार के लिए क्या करते थे, ट्रीटमेंट के लिए क्या करते थे, मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए वो अलग अलग टेक्निक के सहारे शरीर में जो बुरी आत्मा प्रवेश कर रही है उनके अकॉर्डिंग वो उन्हें बाहर निकालते थे। और इन टेक्निक्स में वो प्रेयर, जादू टोना, शोरगुल, झाड़ फूक और कुछ कष्टदायक यानी कि पेनफुल टेक्निक्स जैसे कोड़े लगाना, लंबे समय तक भूखा रखना, सारी चीज़ों को मिलाकर एक दवाई बनाते थे और जिसे वो उस व्यक्ति को खिला देते थे। ऐसा उस समय के जो चिकित्सक थे, अच्छा उस समय के चिकित्सक कौन रहते थे, डॉक्टर्स नहीं रहते थे, पुजारी रहते थे। उनका ये विश्वास था कि अगर इन सब टेक्निक्स को अपनाया जाए तो जो मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं शरीर में जो बुरी आत्मा है उन्हें अगर इस तरीके का कष्ट और पेनफुल चीज़ें दी जाएंगी तो वो अपने आप उसके शरीर को छोड़ देगी। तो ये तो हो गया प्री साइंटिफिक पीरियड की बात। मॉडर्न टाइम में जबकि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके पास हर तरह की टेक्निक्स है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद भी हमारी सोच वहीं पर अटकी हुई है। आज भी अगर कोई व्यक्ति या हमारी फैमिली मेंबर में या कहीं और कुछ असामान्य व्यवहार करता है तो हम उसे डॉक्टर के पास पहले नहीं लेके जाते, किसी तांत्रिक के पास लेके जाते हैं और जादू टोना के द्वारा उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। और उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की वो बीमारी बढ़ जाती है बट हमें फिर भी समझ में नहीं आता, हमें ये लगता है कि भाई उसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुसी हुई है। तो इतना पढ़ लेने के बाद और इतना डेवलप हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारी सोच उसी
पूर्व वैज्ञानिक काल में अटकी हुई है। तो क्या ये सही है? क्या हमें ये कहना कि अगर कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार कर रहा है तो उसके अंदर कोई आत्मा का प्रवेश है, उसे हमें झाड़ फूँक या फिर जादू टोना के द्वारा ही ठीक कराना होगा? या फिर हमें सही टाइम पे रहते हुए उसे एक डॉक्टर के पास, एक साइकेट्रिक के पास लेके जाना होगा? आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। इंक्वायरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई